तुकोजी राव जो सूरमा जान हथेली पर रखकर वतन की रक्षा के लिए रणभूमि में कूद पड़ते हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। उनके दिल जिरा बख्तर के ऊपर होते हैं, दूसरों की जिंदगी उनकी तलवार की धार के नीचे, और उनकी मौत उनके डर से कोसों दूर रहती है। टीपू सुल्तान की जिंदगी का भी उसूल है और मरने के लिए भी उनके पास एक अजीम उशान मकसद है। इसीलिए हर दिल और हर दिमाग पर उनका रौब छाया रहता है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनके सामने आते ही एक बार तो हिल जाता है। यही कारण है तुकोजीराव कि तीन तीन ताकतें उनके विरुद्ध संगठित होकर बरसों की तैयारी और बरसों के युद्ध के बावजूद टीपू सुल्तान पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी। नाना साहब, क्या आपने कभी ये सोचा है कि टीपू सुल्तान जैसे देशभक्त के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ संगठन करके हमने अपना अपमान खुद किया है? हम हर समय यही सोचते रहते हैं। तो फिर आप तटस्थ क्यों नहीं हो जाते? पहले तो आपके ये विचार थे। आप ठीक कहते हैं तुकोजीराव, इस समय हमारा हाथ पत्थर के नीचे है, उसे खींच के नहीं निकाल सकते। फिर तो हमें अंग्रेजों के साथ किया गया मुआहदा रद्द कर देना चाहिए। तुकोजीराव, जिस तरह कोई भी मुआहदा किसी के साथ भी बगैर सोचे समझे नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह बगैर सोचे समझे उसे रद्द भी नहीं किया जा सकता। तो हमें उस पर अमल भी नहीं करना चाहिए? ये तो धोखा है, पाप है। अंग्रेज कब किसी के साथ किए गए मुआहदे पर अमल करते हैं? वो विदेशी हैं, उनकी बातें विदेशी हैं। हम हिंदुस्तानी अपनी जान दे देते हैं लेकिन जबान नहीं पलटते। हम हरिपंजी को एक और अवसर देने का वचन दे चुके हैं। अगर इस बार भी सफलता नहीं मिली तो हम अवश्य तटस्थ हो जाएंगे। आपके नियम और सूझबूझ पर सारी कौम को गर्व है। हम अपनी कौम के आभारी हैं। को सिपा सलार किसने बनाया? कमबख्त बगैर लड़े भेड़े ही पसपा हो जाता है। इसे न हजारों सिपाहियों के मर जाने का गम, न हमारी बेशुमार दौलत खर्च होने का अफसोस। सरकार, अंग्रेज जबरदस्त सियासतदान और बेहतरीन सिपा सलार होते हैं। वो आगे बढ़े या पीछे हटने, उन्हें हमेशा अपना फायदा पेश नजर रहता है। हाँ, अपना फायदा पेश नजर रखते हैं, हमारा फायदा क्यों नहीं पेशे नजर रखते? वॉरेन हेस्टिंग्स से कार्नवालिस तक तीन गवर्नर जनरल हो चुके, 18 बरस का अरसा गुजर गया। हमने और पेशवा ने फौजी मदद की, हमारी बेशुमार दौलत खर्च हो गई। ये अंग्रेज है कि एक हुकूमत मैसूर का तख्ता नहीं पलट सके। अंग्रेज अब जिस हमले की तैयारी कर रहे हैं उसके आगे एक टीपू सुल्तान तो क्या सारे हिंदुस्तान के राजा और नवाब भी नहीं ठहर सकेंगे? क्या उनमें हम भी शामिल हैं? बंदेगाने आली तो अंग्रेजों के दोस्त हैं। आपकी फौज तनिया जो कर सकती है वो सबकी फौजें मिलकर भी नहीं कर सकती। हाँ, कर सकती है, अब तक क्यों नहीं किया? दरअसल सारा कसूर सपा सालार मीरालम का है। अगर सपा सालार बदल दिया जाए तो वो सब कुछ हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ। मीरालम से बेहतर सपा सालार सारे हैदराबाद में नहीं। शहजादे अली नवाब सिकंदर जा बहादुर की सिपा सालारी में हमारी फौज का हौसला चौगना हो जाएगा। बहुत हो, हमें तुम्हारी अक्ल पर नाज है। वाकई शहजादे ने अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों ही फौजों से तरबियत हासिल की है। इसके अलावा वो हिंदुस्तानी और मुगल तरीके जंग के भी माहिर हैं। और अपने बहादुर और सूरमा बाप की तरह दिलेर भी होंगे।
मगर इसी बहाने तुम शाहजादे को टीपू सुल्तान की तलवार से शहीद करवाना चाहते हो। खाकसार नवाब सिकंदर जाह बहादुर की तलवार से टीपू सुल्तान को शहीद करवाना चाहता है। फिर तो सारे हिंदुस्तान के हुक्मरान हैदराबाद की तरफ देखने लगेंगे और अंग्रेज बंदे गाने आली के आगे पीछे फिरेंगे। बहुत खूब। कभी कभी तुम हमारी अकल से भी सोचते हो, इसलिए आज हम तुम्हें ज़हीन उद्दौला के खिताब से सरफराज करते हैं। दौलत तो इकबाल ज्यादा। कमबख्त हमेशा उल्टे मशवरे और गलत दुआएं देता है। अरे जब दौलत ही खर्च हो जाएगी तो दौलत इकबाल ज्यादा किस तरह होगा? लगता है इसे ज़हीन उद्दौला का खिताब देने में हमने जल्दबाजी की है। ज्यादा हो गया है तुमसे? ज्यादा नहीं, तुम तो आजकल बिन पिए भी नशे में रहते हो। बहुत जल्द हम तुम्हें श्रीरंगापट्टनम में यूनियन जैक लहरा कर दिखा देंगे। इम्पॉसिबल। आई होप देयर बी वन मोर ग्रैंड रिट्रीट। बिहेव योर सेल्फ। ये तुम अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस से जाकर कहो टू बिहेव हिमसेल्फ एंड गो बैक टू इंग्लैंड। ओह यू शट अप। आज के दिन की रोशनी हमारे लिए क्या पैगाम लाई है? दौलत ओ इकबाल ज्यादा। हर मोर्चे पर फतह और कामयाबी। वली अहद सल्तनत शहजादा फतेह हैदर बहादुर के पग चूम रही है। गोरम कुंडा पर सुल्तानी परचम लहरा रहा है। निजाम का सिपह सालार फरीदुद्दीन जंग में मारा गया है। वली अहद की बहादुरी और कामयाबी पर सुल्तान की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। मरहबा। फतेह हैदर की कामयाबी सल्तनत खुदादाद की कामयाबी है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि एक दिन आपकी पहली फतेह की खुशखबरी मरहूम नवाब हैदर अली साहब बहादुर को मैंने ही दी थी, और आज आपके बेटे की पहली कामयाबी का नवेद पहुंचाना भी मेरे ही नसीब में है। इंशाअल्लाह फतेह हैदर के बेटे की पहली कामयाबी का डंका भी आप ही बजाएंगे। शहजादा फतेह हैदर सुल्तान के नक्श कदम पर चलकर खूब नाम रोशन फरमा रहे हैं। सिपाह सालार गाजी खान और अली रजा खान ने भी शहजादे के कंधे से कंधा मिलाकर अपने तलवार के जौहर खूब दिखाए। सिपाह सालार गाजी खान इस उम्र में भी सल्तनत खुदादाद के लिए जिस तरह से अपना खून पसीना एक करते हैं उसकी मिसाल बड़ी मुश्किल से मिलेगी। दूसरी खुशखबरी यह है के बाकर साहब ने बारह महल का इलाका दुश्मन से वापस छीन लिया है। हमें अपने तमाम जान निसारों पर नाज है। सल्तनत खुदादाद का वकार इन्हीं लोगों की वफादारी पर कायम है।
लेकिन कुछ नमक हरामों से उसे खतरा भी है। उन्हीं लोगों में से किसी बदबخت ने गुज़िश्ता साल चनपटना में अंग्रेजों को हमारे मंसूबे की खबर देकर उन्हें हमारे कैरो गजब से बचा लिया और शहर में बुझा हुआ खंजर हिंदुस्तान की छाती में उतार दिया। ऐसे देशद्रोहियों का वंश भी मिटा देना चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हमने इन गद्दारों को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी। गुलाम अपने जासूसों के साथ पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन गद्दार बहुत चालाक है। वो कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे उन पर शक किया जा सके या उन पर हाथ डाला जा सके। इस तरफ आप खास तौर से ध्यान दीजिए। जी, एक और खुशखबरी है। बयान की जाए। इंग्लिस्तान के सरकारी और अवामी खबरनामों में लॉर्ड कॉर्नवालिस का विरोध किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके ऐसे ऐसे व्यंग चित्र छापे जा रहे हैं जिसे देखकर हंसी आती है। इन बातों से कॉर्नवालिस पर बुरा असर पड़ेगा, वो आप से बाहर हो जाएगा। इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। सुल्तान को गद्दारों की तलाश है और उन्हें ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी आप पर डाली गई है। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है उनमें से मुझे कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बहुत चालाक है, कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि जिसकी वजह से आपकी नजर में आ जाए। प्रणाम बिराजिए। तरमल राव जी, नारायण राव जी, हम आपके वफादारियों को भुला नहीं सकते और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भुला नहीं सकेंगी। हम तो महारानी के दास हैं। अगर चरणों की धूल याद रखने के योग्य हो जाए तो इसके लिए सौभाग्य की बात है। महारानी का अपने सेवकों के लिए क्या आदेश है? हम चाहते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ हमारा ऐसा समझौता हो जाए जिसके अनुसार टीपू सुल्तान के बाद हमारा राजपाट हमी को मिले, टीपू सुल्तान की संतान को नहीं। क्या महारानी जी को आशा है कि टीपू सुल्तान इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे? जबकि हमें आशा ही नहीं, पूरा पूरा विश्वास है। संगठित सेना युद्ध जितना लंबा करेगी उतना ही उसे लाभ होगा। टीपू सुल्तान को आज नहीं तो कल पराजित होना है। दिया बुझने से पहले कभी कभी बहुत भड़कता है। तो क्या महारानी और लॉर्ड साहब की भेंट का प्रबंध किया जाए? नहीं, एक मुद्दत के बाद हमने टीपू सुल्तान से अच्छे संबंध बनाए हैं, अब हम उन्हें खराब करना नहीं चाहते। इससे हमारे काम में रुकावट पड़ जाएगी। तो फिर महारानी जी के विचार लॉर्ड साहब तक किस तरह पहुंचाए जाए? तुम लोग उनसे मिलकर कहो, अगर उन्होंने हमारा राज्य दिलवा दिया तो हम जीवन भर उनके आभारी और आज्ञाकारी रहेंगे। लेकिन ये सारी बातें गुप्त रहनी चाहिए। महारानी अपने सेवकों पर पूरा भरोसा रखें। राजपाट की वापसी के बाद तुम दोनों भाई मैसूर राज्य के मंत्री होंगे। आपकी कृपा से यही आशा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम दोनों भाई खुद हमारे पास आए हो, हमने तुम्हें नहीं बुलाया।
तुम्हें अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ धन चाहिए था जो हमसे प्राप्त नहीं हो सका, समझे? धन्य हो महारानी जी। धन्य हो, दास बिल्कुल समझ गया। सब समझ गए। प्रणाम। हमारी तरफ से हर फाइनस द महारानी ऑफ माइसोर को यकीन दिला दीजिए कि हमें और हिंदुस्तान में मौजूद हर अंग्रेज के उनसे पूरी हम डरती है। हम भी यही चाहते हैं कि टिपू सुल्तान के बाद माइसोर की हुकूमत स्वर्गवासी राजा के खानदान से किसी को दी जाए, लेकिन हम अभी न ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं ना कोई वादा। इस मसले में हमें अपने साथियों द निजाम और पेशवा से मशवरा करना पड़ेगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इजाजत हासिल करनी पड़ेगी। अलबत्ता माइसोर के तख्त के लिए महारानी के वादे पर गौर करने का वादा हम जरूर कर सकते हैं। लॉर्ड साहब का इतना ही वादा हमारी आस बंधाने के लिए काफी है। हम आपके विचार महारानी साहिबा की खिदमत में पहुंचा देंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। ऑफ कोर्स, हम फिर मिलेंगे। All good things come to those who wait. You are right, sir. Sir, निजाम के बेटे और उनके वजीर आजम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। Send them in. Welcome, Your Highness, Kushamadi. शुक्रिया। बंदा लॉर्ड साहब बहादुर की खिदमत में सलामे मोहब्बत पेश करता है। हैदराबाद और ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्ती पाइंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया, तशरीफ रखिए। हुजूर, बंदगाने आली के हुक्म के मुताबिक अब हैदराबादी फौज की कमान शहजादे आली मर्तबत, कंजुद्दौला, समसाम जंग, नवाब सिकंदर जा बहादुर के सुपुर्द फरमाई गई है। और मीरालम साहब अब शहजादे बहादुर के मातहत होंगे। हम अपने दोस्तों के फैसलों की रिस्पेक्ट करते हैं। बंदा अपने वालिदे मोहतरम हुजूर निजामुल मुल्क की जानिब से लॉर्ड साहब बहादुर की खिदमत में नेक ख्वाहिशों का तोहफा पेश करता है। हम हिज हाइनस द निजाम का तोहफा कबूल करते हैं। हमें हैदराबाद में रेजिडेंट कैप्टन किनोवे से मालूम हुआ है कि हिज एक्सलेंसी द निजाम को टिपू सुल्तान के साथ जंग में खर्च होने वाले रकम की बहुत फिक्र है। आप उन्हें यकीन दिला दीजिए कि विक्ट्री करीब है और उनकी रकम से काफी ज्यादा रकम उनका इंतजार कर रही है और टिपू के इलाके उनके कदमों के लिए अपने दामन फैलाए हैं। आपका पयाम रेजिडेंट बहादुर ने उन्हें पहुंचा दिया है और उन्हें इत्मीनान भी दिलाया है। इसका सबूत यह है कि हुजूर निजाम ने मुझे अपनी फौज का सिपा सालार आला मुकर्रर फरमाया है। Gentlemen, on the 1st February 1792, हमारे ग्रैंड आर्मी श्रीरंगपट्टनम के तरफ पेशकदमी करेगी। That's all I ask for.
तुम एक जनरल की बीवी हो, तुम्हें जंग से इतना नहीं डरना चाहिए। मेरे बाप भी जनरल थे, छह भाई भी जनरल है, मेरा सारा खानदान जंगजू है। गॉड ने मुझे हस्बैंड भी सोल्जर दिया है, मैं जंग से नहीं डरती। लेकिन जंग में जंगल का कानून पसंद नहीं करती। डार्लिंग, हम भी जंग के कुछ उसूल रखते हैं। वो तो मैं देख रही हूँ, ये कौन सा असूल है कि दूसरे के घर में जबरदस्ती घुसकर कब्जा कर लिया जाए और घर वालों को बेगा करके खुशियां मनाई जाए? ये दुनिया है, आबादी तेजी से बढ़ रही है, जमीन घट रही है। जब तक आबादी कम न की जाएगी, जगह के लिए छीना छपटी ना होगी, उस वक्त तक किसी का भी भला नहीं होगा। यहाँ कमजोर और बेवकूफों के लिए कोई जगह नहीं। ताकतवरों और अकलमंदों को रहम और इंसाफ से काम लेना चाहिए, अपने फायदे के बाद। ये खुद गर्जी है, इसी चीज ने अंग्रेजों को सारे यूरोप में बदनाम कर रखा है। अब एशिया में भी अंग्रेज बदनाम होकर रहेंगे। ये बड़ी बातें हैं, तुम्हारे छोटे से दिमाग में नहीं आएंगी। डार्लिंग, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे भलाई के लिए सोचती हूँ, मैं तुम्हारे भलाई चाहती हूँ, तुम्हारे भले के लिए प्रे करती हूँ। लेकिन ये भी चाहती हूँ कि तुम हक की राह पर चलो। मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही को सिर्फ अपने अफसर के हुक्म पर चलना होता है, उसे हक ना हक से कोई वास्ता नहीं होता। बैटल फील्ड के लिए घर से निकलते वक्त तुम मुझे विश भी नहीं करोगी। कुछ वादे ऐसे होते हैं जो किए नहीं जाते, समझ लिए जाते हैं, और वो भी पूरे होते हैं। मगर लाड साहब ने तो, तरमल राव जी, अंग्रेज राजनीति में बहुत होशियार होते हैं, उनकी बातें समझना हर एक के बस की बात नहीं। लॉर्ड साहब ने जो जवाब आपको दिया है उसका मतलब वही है जो हमने समझा है। महारानी का मान सम्मान अधिक हो, मगर दास फिर भी कुछ नहीं समझा। लॉर्ड साहब ने जो हमारी बात सुनकर आपसे यही तो कहा है कि वो भी यही चाहते हैं, टीपू सुल्तान के बाद हुकूमत हमारे खानदान में ही वापस आए, लेकिन वादा नहीं कर सकते। और इस सिलसिले में वो निजाम और पेशवा से राय भी लेंगे। वो टीपू सुल्तान के हक में नहीं, हमारे हक में फैसला देंगे। ये किस तरह कहा जा सकता है? वो दोनों हमारे मित्र हैं। जो शत्रु का शत्रु होता है वो अपना मित्र हो जाता है। आप दोनों भाई अपना भविष्य उज्जवल करने का प्रयत्न कीजिए, इसी में हम सबका हित है। हम लोग महारानी की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं पिछले 30 वर्षों से हमारे गले में एक निवाला साटका है, जो न उकलते बनता है और न निकलते बनता है।
इसका इलाज सिर्फ अंग्रेजों के पास है। आप परबल लॉर्ड साहब से मिलते रहिए और उन्हें यह भी यकीन दिलाइए कि जो वचन हमने लॉर्ड मैकॉर्डनिक को दिया था उस पर हम अब भी अटल हैं। वो जब चाहें हमसे उतना धन मंगवा सकते हैं। महारानी को अगर अपने दासों पर भरोसा है तो धन का बंदोबस्त कर दें, दास लॉर्ड साहब तक पहुंचा देंगे। शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। हमें तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, लेकिन उनकी तरफ से मांग आना राजनीति के अनुसार हमारे लिए लाभदायक है, और इससे आगे की बात समझना भी आसान हो जाएगा। महारानी जी अधिक जानती हैं। क्या महारानी जी लॉर्ड साहब के नाम कोई पत्र लिखवाना? तरमल राव जी, आप दोनों भाइयों के होते हुए हमें किसी पत्र की आवश्यकता नहीं। आप बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं जिस तरह हम चाहते हैं। दास किस लायक है, सब महारानी की कृपा है। हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे लोग ढूंढिए जो टीपू सुल्तान के दरबारियों, सिपहसालारों और मंत्रियों के साथ खुल मिल जाएं। क्या इसकी कोई आवश्यकता है? आपको समझ लेना चाहिए, जब हम कोई बात कहते हैं या कोई काम करते हैं तो उसकी आवश्यकता होती है। भविष्य में आपको मैसूर राज्य का मंत्री बनना है? दास राजनीति में महारानी की बराबरी किस तरह कर सकते हैं? उन लोगों की यह आवश्यकता है कि वो हमारे लिए टीपू सुल्तान के साथियों की पल पल की सूचना प्राप्त करें। हमें पता चला है कि कुछ लोग उनमें से हमारे काम के हैं। हम जानना चाहते हैं कि वे कौन लोग हैं। दास बहुत जल्द महारानी की आज्ञा के अनुसार ऐसे लोगों को ढूंढ निकालेंगे। वो लोग आप ही की तरह के होने चाहिए, क्योंकि ये काम भयपूर्वक है। उन्हें कांटों के बीच से दामन बचाना है, तलवारों के साए में कुछ दिन रहना है, हो सकता है प्राण भी त्यागने पड़े। महारानी अपने दासों पर पूरा भरोसा रखें। हम ऐसे ही लोग ढूंढेंगे जिनके जीवन का यही आदर्श हो कि प्राण जाए पर आन न जाए। हम तुम दोनों का मुंह मोतियों से भर देंगे। लोगों को पहचानता नहीं हूं। हम लोग आपको पहचानते हैं। हमें मालूम हुआ है सुल्तान के साथियों में कुछ लोगों ने पसंद नहीं करते। आप कहना क्या चाहते हैं? हम आप लोगों की तन मन धन से सहायता करना चाहते हैं। अगर कभी कोई आवश्यकता हो तो आप हमें याद कर सकते हैं। शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई। कई दिनों के प्रयास के बाद हम सही लोगों तक पहुंचे हैं।
अगर आप हमें अपने काम में सहयोग का अवसर देंगे तो बहुत लाभ उठाएंगे। क्या आप लॉर्ड साहब के आदमी हैं? आप यही समझ लीजिए हम महारानी के दास हैं। आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? इसलिए जिस तरह आप लोग सुल्तान को पसंद नहीं करते उसी तरह हम भी पसंद नहीं करते। लॉर्ड साहब, निजाम और पेशवा की तरह अगर हम भी संगठित हो जाएं, तो सल्तनत खुदादाद की जड़ें काटने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। मैं समझ गया, लेकिन आप अपने साथियों से बात कर लीजिए। हम बहुत जल्द इसी जगह फिर मिलेंगे। ऐ दो जहां के रखवाले, ऐ जमीन और आसमान को पैदा करने वाले, कायनात के जर्रे जर्रे को ताकत देने वाले, सूरज को पूरब से निकालने वाले, अंधेरे का दामन रोशनी से भरने वाले, फकीरों को बादशाह बनाने वाले, गरीबों की आस, बेसहारों के सहारे, आरजुओं और तमन्नाओं के मरकज, उम्मीदों की जोत, दिलों का हाल जानने वाले, मेरी फरियाद सुन ले, तेरी इस अदना कनीज का सुहाग आज फिर खतरों में घिरा है, उसकी हिफाजत फरमा। मेरा सर मेरी आंख बंद होने तक ढका रहे, हाथों की चूड़ियां आखिरी सांस तक सलामत रहे, मेरे बच्चे यकीन की धूप से दूर रहे, उनके शफीक बाप का साया उनके सरों पर हमेशा कायम रहे। कबूल फरमाए, उम्मीदें बढ़ाए, लेकिन हमें आपसे एक शिकायत है कि आप हर मर्तबा अपना वादा भूल जाती हैं। खुदा का वादा है मेरे सरदार, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलती। आपकी मोहब्बत, इंसानियत का जज्बा और एक वफादार बीवी का फर्ज अपने शोहर की सलामती की दुआ करने पर मजबूर करती थी। आप सच कहती हैं, हम भी मोहब्बत, इंसानियत और फर्ज की कदर करते हैं, लेकिन आपकी आंखों में जब आंसू देखते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। आपकी आंखों से गिरने वाला एक आंसू भी हमारे लिए रास्ते का पहाड़ बन जाता है। हमारी आंख से गिरने वाला हर आंसू
फितरत का तकाजा है। रंजू है, ये घबराहट की अलामत है। आपकी राह का पत्थर नहीं बल्कि आपकी ठोकरों में रहने वाला मोती। आपकी पलकों से ढलका हुआ आंसू हमारी ठोकरों में नहीं दिल में जगह पाने के लायक है। हम इसमें आपके दिली जज्बात की तस्वीर देख रहे हैं। तुम्हारे अब्बू जान के होते हुए अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते। दादी जान, हमें भी जंग पे जाने का बड़ा शौक है। और मुझे तलवार चलाने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तीन नस्लों की बहादुरी जो सिमट आई है तुम में। अब्दुल खालिक, मोहिउद्दीन, अपने अब्बू जान से रुखसत हो लो। वो सवेरे ही कूच करने वाले हैं। जी दादी जान। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। जंग 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 हमारी खुशियों की दुश्मन, हमारी जिंदगी की दुश्मन। बहुत भारी है। मैं भी देखूं। अब्बू जान से कैसे चलाते होंगे। अब्बू जान के हाथ में ये फूल की तरह नजर आती है। लाइए, मैं निकालता हूँ। कैसे चमक रही है, तेज भी बहुत होगी। होना ही चाहिए, जबी तो अंग्रेजों की गर्दनें उड़ाती चली जाती है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ हैं। आदाब। आदाब। हम आपसे मुलाकात करने के लिए आपके कमरे में गए थे। हम आपको आदाब करने यहाँ आ गए। ये नंगी तलवार क्यों बुलंद की हुई है। अंग्रेजों की गर्दनें उड़ाने के लिए। खामखा किसी का गला काटना गुनाह है। आपने ना जाने कितने अंग्रेजों को मारा है। अपनी आजादी के लिए, अपने वतन और अपनी रियाया की हिफाजत के लिए, अपने बचाव के लिए। उस्ताद कह रहे थे, इंसान की जिंदगी से ज्यादा अनमोल कोई चीज नहीं है। जब तक अपनी जान, इज्जत व आबरू या वतन पर आंच ना आए, ना किसी की जान देना चाहिए, ना अपनी जान खतरे में डालना चाहिए। तलवार उठाना बड़ी जिम्मेदारी की बात है बेटे। अंग्रेजों से तो हमें लड़ना ही चाहिए। बेशक, जब तक वो हमसे हमारा वतन छीनने की कोशिश करें, उनसे जरूर लड़ना चाहिए। वो क्या कोई भी ऐसा करे तो उन्हें सजा देना ही चाहिए। अब्बू जान, कल आप किस से जंग करने जा रहे हैं। अंग्रेजों से बेटे। हम भी आपके साथ चलेंगे। अभी नहीं, आप दोनों जरा और फन्ने जंग में माहिर हो जाए, फिर इंशाअल्लाह हम आपको ले चलेंगे। इस तलवार के वारिस आप ही हैं। फतह हैदर की तरह एक दिन आपको भी मैदान मारना है।
अपने वतन और अपने आवाम की खिदमत करना है। क्या कल तुम चंद पर जा रहे हो? जी दादी जान, हम सुबह आपकी इजाजत लेने आने ही वाले थे। इजाजत? सारी जिंदगी इसी में गुजार दी, किसी न किसी को जंग की इजाजत ही देती रही। अब हिम्मत हार बैठी हूं। नहीं दादी जान, आप तो हमारी हिम्मत का सर चश्मा है। हम खुशनसीब हैं कि आपका साया हमारे सर पर सलामत है। मैं भी तो तुम्हारी सूरत देखकर जिंदा हूं। एक ही तमन्ना रह गई है, जब मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो तो मेरी नजरों के सामने तुम्हारा ही चेहरा रहे। तुम चले जाते हो तो जैसे मेरा सब कुछ चला जाता है। जाओ, जल्दी लौटो और पता के साथ लौटो।
आदाब अबूजान। सलामत रहो। आदाब अबूजान। जीते रहो। सुल्तान की अजमत में और बुलंदी हो, जाहो इकबाल में चार चांद लग जाए। शुक्रिया। भाईजान, आप जानते हैं हमने तलवार से कभी दोस्ती का हाथ नहीं मिलाया। समझ में नहीं आता आप पर किस तरह अपनी जान निछावर करें। करीम मेरे भाई, ये खुदा की मसलहत थी, वही जाने। मुकद्दर ने तुम्हारे हाथ की तलवार हमारे हाथ में दे दी, हम अपना किरदार निभा रहे हैं, तुम अपना किरदार निभाओ। तुम यहां सबकी ढारस बने रहो। दादी जान का खास तौर से ख्याल रखना। जान निसार और वफादार टीपू सुल्तान, सालार गाजी खान तशरीफ ला रहे हैं। गोरम कुंडा से शहजादा फतेह हैदर ने अपनी ताजीम और तकरीम सुल्तान की खिदमत में पेश की है। हमें कबूल है गाजी बाबा, जंगों की मुसलसल मसरूफियत ने हमसे यह भी भुला दिया कि हमारा एक नौजवान फरजंद भी है। कैसे लगते हैं फतेह हैदर? चश्म बद्दूर, आप ही की तरह शकील और जमील, कदो कामत और सूरत और सीरत में नौजवान टीपू सुल्तान।